बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रीडिंग एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम यूनिट नंबर 5। द नेम ऑफ द यूनिट इज़ एनिमल एंड बुक पेज नंबर 34। टुडेज़ टॉपिक इज़ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स से मुराद वो जानवर जो कि जंगली होते हैं, जंगलों में रहते हैं, जिनको घर में नहीं रखा जा सकता। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट्स एंड जंगल्स, कि वाइल्ड एनिमल जो होते हैं या जंगली जानवर वो जंगलों में ही रहते हैं। मैनी वाइल्ड एनिमल्स ईट प्लांट्स, बहुत से जो जंगली जानवर होते हैं वो पौधों को खाते हैं। सम ईट अदर एनिमल्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि दूसरे जानवरों को खा के अपनी खुराक की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। स्केवेंजर्स सच एज द हेना, वाइल्ड डॉग एंड वल्चर ईट डेड एनिमल्स, कि ये सारे जो जानवर हैं ये तकरीबन खाते हैं जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं या जानवर होते हैं उनको। मिथ्स वर्सेस फैक्ट, डू कैमल स्टोर फूड एंड वाटर इन देयर हम्प्स, कि क्या जो कैमल है, ऊंट है, वो जमा कर लेता है, स्टोर कर लेता है खुराक को और पानी को उसके जो बॉडी पार्ट है हम्प उसमें। नो द हम्प इज़ आ स्टोर ऑफ फैटी टिश्यूज विच द कैमल यूजेस व्हेन फूड इज़ नॉट अवेलेबल। क्या है कि वो खुराक को स्टोर नहीं करता, बल्कि उसका जो हम्प है उसमें स्टोर होते हैं फैटी टिश्यूज, जो कि वो तब इस्तेमाल करता है जब उसको खुराक मुयस्सर नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जो कि घरेलू जानवर होते हैं, जिनको घरों में पाला जा सकता है, जो कि ख़तरनाक नहीं होते या जो लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, घरों में रखते हैं। सम एनिमल्स कैन बी टैम्ड, टैम्ड जिनको पाला जाता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको पाला जाता है, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, तो उनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स भी कहते हैं। सम लिव इन आवर हाउसेज एज पेट्स, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे घरों में पेट्स के तौर पे रहते हैं या जिनको हम पालते हैं। अदर्स आर कैप्स ऑन फार्म्स, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको फार्म्स पे रखा जाता है, मतलब एक अलग से जगह होती है जहाँ पे उनको रखा जाता है, या खेतों के पास ऐसा कोई फार्म सा बना हुआ होता है जहाँ पे वो जानवर रहते हैं। दे हेल्प अस इन मैनी वेज, ये कई तरीक़ों से हमारी मदद करते हैं, जैसे यहाँ पे ये डॉग है, काऊ है, फेरेट है, गोल्ड फिश है, कैट है। पेट्स आर आवर फ्रेंड्स, जो पेट्स होते हैं या वो जानवर जिनको हम घरों में पालते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं। एंड दे आर यूजफुल टू, और वो हमारे लिए फ़ायदा मंद भी होते हैं। कैट्स चेज अवे माइस, जो कैट है वो पीछा करती है चूहों का। सम डोमेस्टिक एनिमल्स गिव अस मिल्क, कुछ घरेलू जानवर ऐसे होते हैं जो हमें दूध जिनसे हमें मिलता है, जैसे काओ है और गोट है। मैनी पीपल ईट द फ्लैश ऑफ दीज एनिमल्स, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इनका गोश्त खाते हैं, इनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं या इनका गोश्त खाते हैं, जैसे फिश है, हैन है, क्रेब है, टर्की है या शिप है। दीज एनिमल्स आर बर्ड्स, ये जो जानवर हैं ये बर्ड्स भी हैं। दे गिव अस एग्स, और इनसे हमें अंडे मिलते हैं, जैसे यहाँ पे हैन है, डक है और गूस है। दीज एनिमल गिव अस सिल्क, वूल, फर एंड लेदर, और ये जो जानवर हैं इनसे हमें क्या क्या मिलता है, इनसे हमें सिल्क मिलती है, वूल मिलती है, फर मिलती है और लेदर, जिससे हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, जैसे यहाँ पे सिल्क वॉर्म है जिससे हमें सिल्क मिलता है, सिल्क स्कार्फ, ये जो है ये सिल्क का बना हुआ स्कार्फ है। खाओ है तो इसकी जो स्किन है वो लेदर उससे हमें मिलता है, और उससे हमें जैकेट्स वगैरह जो है वो बनती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। शिप वुलन स्वेटर्स, शिप की जो स्किन होती है वो उससे हमें वूल मिलती है, जिससे हम स्वेटर वगैरह या सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले कपड़े बनाते हैं।
कॉन्सेप्ट चेक में फिल इन द ब्लैंक्स. अ डैश एनिमल इज़ वन डैट इज़ केयर्ड फॉर एंड यूज्ड फॉर ह्यूमंस. टैम पेट्स एंड डैश एनिमल्स आर टैम एनिमल्स. पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. डैश कैन बी यूज टू पुल कार्ट्स हॉर्सेस. नेक्स्ट टॉपिक है बेबी एनिमल्स. मैनी एनिमल्स हैव बेबीज डैट लुक लाइक दैम. कि बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जिनके बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, और वो बिल्कुल उन्हीं की तरह से नज़र आते हैं. अदर एनिमल्स डू नॉट लुक देयर लाइक देयर पेरेंट्स. और जो दूसरे जानवर होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह नज़र नहीं आते. फ्रॉग एंड फिश ले एग्स इन वाटर. के जो मेंढक होते हैं और जो मछली होती है वो पानी के अंदर अंडे देती है. बेबी फिश आर कॉल्ड फ्राई. बेबी फिश या फिश की जो बेबी होती है, उसका जो बच्चा होता है, उसको फ्राई कहते हैं. बेबी फ्रॉग्स आर कॉल्ड टैडपोल्स. और जो मेंढक का बच्चा होता है उसको टैडपोल कहते हैं. दे डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स. ये बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स की तरह नज़र नहीं आते. स्वान सिग्नेट, जैसे ये यहाँ पे स्वान है और इसका ये बेबी है. इसी तरह से बियर कब, ये बियर है और ये इसका बेबी है. हॉर्स एंड फोल, ये इसका बेबी है. फ्रॉग एंड टैडपोल, ये इसका बेबी है. कॉन्सेप्ट चेक में देखिए, मैच द एडल्ट विद देयर यंग. स्वान सिग्नेट कब बियर फ्रॉग टैडपोल किटन कैट फिश फ्राई टैडपोल सॉरी फोल हॉर्स.